धन की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम एक नए पहलू पर अपना फोकस डालते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़े, निवेश से जुड़े, पैसों से जुड़े। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। हम सबका सपना होता है कि एक अपना घर बनाएं, और घर अपना हो इसके लिए होम लोन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अब होम लोन कैसे लें, कौन सा सही होगा हमारे लिए, ये सब चयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाजार कंपेटिटिव है, और कैसे अपने होम लोन को इस तरह से लें कि जिस तरह से जो हमारी बाकी इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंशियल प्लान है वो कहीं उथल पुथल उसमें ना हो जाए। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मोनू रात्रा, जो IIFL के हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के CEO हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू आपका आने के लिए। पहले तो आप ज़रा हमें बताइए कि ये होम लोन किस तरह से काम करते हैं जी, और आप अच्छी खासी एक प्रेजेंटेशन भी लेके आए हैं दर्शकों के लिए, ज़रा उस पर हमें थोड़ा बताइए। जरूर, होम लोन को अगर हम देखें तो बजाय इसके कि पिछले कुछ सालों में होम लोन का जो इंडस्ट्री है थोड़ी सी डगमगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ग्राफ से आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 7 सालों के अंदर कैसे हाउसिंग लोन की ग्रोथ हुई है। 2010 से जो 4.5 लाख करोड़ का पूरा निवेश किया गया था हाउसिंग लोन में, वो अब 14.5 लाख करोड़ पे बैठा है। और इसमें दूसरी जो चीज़ खास करके देखने वाली है कि ये जो होम लोन होते हैं ये बैंक्स देते हैं अक्सर, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी देती हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो सरकार ने बनाई थी ताकि वो लोगों को होम लोन का विक्रय कर सकें। क्योंकि बैंक्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का चयन किया गया, और उसकी एक नोडल बॉडी है नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके तहत ये सब लोग रजिस्टर होते हैं। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3.5 गुना ग्रोथ हुई है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का इसमें भी प्रतिशत बढ़ा है, जो 33 से 40% हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव हो रही हैं। इसका एडवांटेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का ये रहता है क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, तो वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हैं, इसके ऊपर फोकस कर पाती हैं, और इसके जो भी जो फाइनर पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बेहतर तरीके से कस्टमर को डिलीवर कर सकती हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर इतना बड़ा देश है तो बैंकों का भी इसके अंदर रोल बहुत ही अहम रहेगा, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनकी जो रीच है, उनकी जो जहाँ तक पहुँच सकते हैं वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के मुकाबले में कई ज़्यादा रहेगी। तो ये आपको ग्राफ ये बताता है कि किस तरह से ये ग्रोथ हुई है, और ये भी बताता है कि इसमें बावजूद इसके कि 3.5 गुना ग्रोथ हुई है, फिर भी इतनी कमी है देश के अंदर, जो हम अगली स्लाइड के तहत हम दर्शाना चाहेंगे। ये एक हमारा इनकम पिरामिड है, जिसके तहत एक ये स्टैंडर्ड पिरामिड है, जिससे आपको अलग अलग जो इनकम वर्ग हैं उनका स्लैब्स बनाई गई हैं। आप जो ज़्यादातर आप हाउसिंग लोन या हाउसिंग अपॉर्चुनिटी जो एक बिल्डर्स वगैरह जिस पे फोकस करते हैं, वो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, और जो सबसे छोटा हिस्सा है हिंदुस्तान का उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रही है, जो 25,000 या 30,000 से ऊपर की इनकम के लोग हैं। ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, जो हमारा हमारे देश का कोई 80% जिसको वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसके ऊपर ध्यान बहुत कम रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो नीचे वाला 80% है उसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, और मिनिमम कम से कम 1.5 से 2 करोड़ हमें घरों की ज़रूरत है, और ये लोअर सेगमेंट में ही बहुत सारा ज़रूरत है, और ये घर जो 4 से 10 लाख के घर हैं वो उसकी ज़रूरत है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या चैलेंजेस हैं और क्यों नहीं हो सकता। तो होम लोन का ज़रूरत बहुत लोगों को है, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ लोगों को एक रियल एस्टेट भी चाहिए कि वो घर कहाँ खरीदें, क्योंकि हर एक इंसान शायद बना नहीं सकता, या ज़मीन नहीं होती, या उसके पास वक्त नहीं होता। तो ये एक सेगमेंट है, और सरकार ने भी इसके ऊपर मेरे ख्याल से मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा देर से हूँ, लेकिन जो आज की सरकार है उसने जो इसके ऊपर काम किया है वो पहले कभी नहीं हुआ है। अगली स्लाइड देखते हैं। ये एक अर्बन एरियाज़ का एक स्नैपशॉट है। ये आपको ये बताता है कि पिछले साल में, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में, अगर कोई ग्रोथ आई है तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट में आई है, वहीं पे बाकी सब सेगमेंट्स में नेगेटिव ग्रोथ ही आई है नए लॉन्चेस में। ये सिर्फ नए लॉन्च है, ये वो नहीं है जो घर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये वो घर हैं जो नए लॉन्च हुए हैं, जो फ्रेश प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स में आए हैं। तो इसमें
ऑल दो ग्रोथ तो बड़ी पॉजिटिव है अफोर्डेबल में, लेकिन आप नंबर्स देखेंगे तो वो कई दूर हैं फ्रॉम जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे को. हमने वहाँ पे देखा 2 करोड़ मकानों की ज़रूरत है और ये सिर्फ 32,000 दिखाते हैं पिछले साल के अंदर. ये आपको दर्शाता है कि जो टैक्स इंसेंटिव प्लान है कैसे इफेक्टिवली जो हमारा इफेक्टिव रेट जो होता है या हमारा जो हम ये धन की बात कर रहे हैं तो सही में हमारी जेब से कितने पैसे जाएंगे उसका अगर बेनिफिट उसके अंदर डाल दें. इसमें दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं. एक होता है क्योंकि किसी भी लोन के अंदर दो पहलू होते हैं, ब्याज होता है और असल होता है, और सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनके ऊपर अच्छा अट्रैक्टिव बनाया है. अगर हम देखें तो अब इस वक्त जो नया बजट है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ब्याज के अंदर 2 लाख तक का जो ब्याज आप देंगे वो आपकी डिडक्शन में आएगा और प्रिंसिपल का 1.5 लाख. तो ये पहले कभी इतना नहीं होता था, ये बड़ा अट्रैक्टिव हो गया है. और अगर आप देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें टैक्स सेविंग आपकी, जैसे हमने लगभग कोई 25 लाख के लोन के ऊपर बात की है तो कम से कम 1.25 लाख रुपया उसको जो है टैक्स बच जाएगा. होम लोन की जब बात होती है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है लोगों के मन में, खासकर अगर आप यंग हैं, अभी आपने काम शुरू किया है, या अगर आपकी इनकम शायद स्टेबल ना हो, आप किसी महीने आप कमाते हैं किसी महीने नहीं कमाते, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जी, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ लोन के लिए. तो ये लोन एलिजिबिलिटी जो होती है ये कैसे काम करती है, उसमें क्या बदलाव आए हैं? आपने कहा कि नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि आप लोन ले सकते हैं किसी भी लेवल पर? जी, आपके सवाल का एक स्पेसिफिक आंसर देना चाहूँगा कि कुछ लोग जो आपने कहा कि जो बड़े यंग हैं और वो चाहते हैं कि लोन लेना चाहते हैं, तो काफ़ी आजकल आज की डेट में मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपकी जैसे आपका इनकम का स्तर बढ़ता है उस तरह से आपकी किस्तें बढ़ेंगी. पहले एक तो एक एक तरह की एक इनोवेशन आई है, हम समझने लगे हैं लोगों को. क्योंकि एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हिंदुस्तान में जो एवरेज एज है जो मकान ले रहे हैं वो 35 साल से कम है. तो बहुत ही यंग लोग मकान लेना चाहते हैं और ले रहे हैं, और उसको उनको लेना भी चाहिए क्योंकि लंबा लोन है. जब तक वो एक 50 साल के होंगे तो उनका अपना एक ऋण के बगैर का एक मकान तैयार होगा, आई थिंक एक बहुत अच्छी सोच है. तो बहुत यंग लोग इसको ले रहे हैं. तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको जैसे आपकी इनकम ग्रो करेगी वो उसके साथ साथ आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ती जाएगी, उससे आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है. एक तो ये पहलू हुआ. फिर हिंदुस्तान में जो हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद काम करने वाले लोग हैं, बहुत बड़ा आधारा है, बहुत बड़ा आधारा है. उसके अंदर भी पहले काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन काफ़ी कंपनियों ने इसके ऊपर काम किया है, एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स बनाए हैं ताकि हम उन लोगों की इनकम को समझ सकें. एक अगर सपोज़ कहें कि एक एक आपके कोई एक सब्ज़ी वाला भी बैठा है वहाँ पर 10 साल से, तो उसको इनकम को असेस करने का भी काफ़ी बैंकों ने, काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसके ऊपर काम किया है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट इसके इर्द गिर्द बनाए हैं ताकि उस आदमी को भी लोन मिल सके. क्योंकि अभी तक वो तबका है जिसको लोन चाहिए, वहाँ पे 80% लोग बैठे हैं और जो फॉर्मल सेगमेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो उसको कैटर नहीं कर रहा. या तो वो लोन लेते ही नहीं थे या वो प्राइवेट सेक्टर में मतलब प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते थे. तो अब वो स्थिति नहीं है, अब आपको लोन मिल सकता है अगर आपका एक आपका बिजनेस आइडेंटिफाई हो जाए या इनकम पहचान में आ जाए और आपने एक प्रॉपर्टी ठीक ठाक सी देखी है. तो आज की डेट में मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में किसी को भी लोन मिल सकता है. तो ये आपका जो सवाल है, ये क्या आपकी इनकम से लिंक्ड होता है लोन? जी. तो कितने लिमिट तक आपको मिल जाता है लोन? हम ये मानते हैं कि कोई अगर 100 रुपये कमा रहा है तो वो 40 से 45 रुपये तक की किस्त दे सकता है. अगर मैं बहुत ही मोटे मोटे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ तो अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 40 से 45 रुपये तक हम मानते हैं कि आदमी किस्त दे सकता है. देखिए मेरे हिसाब से ये फैसला बड़ा अहम होता है, तो लोगों को ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए. वो कल को एक बड़ा मकान बाद में भी ले सकते हैं क्योंकि एज अ एसेट क्लास, एज अ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ये बहुत अच्छा रहा है. अगर हम वो भी देखेंगे तो दूसरों के मुताबिक दूसरे एसेट क्लास के बहुत अच्छा रहा है. तो आप वो उतना ही मकान लीजिए जो आपको लगता है आप कंफर्टेबली पे कर सकते हैं. और कोलैटरल में आप लोग, हालांकि जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या बैंक है घर को तो रखती है जो एसेट खरीदा जा रहा है जब तक लोन पूरा नहीं होता, उसके अलावा भी कुछ और कोलैटरल देना पड़ता है? जी, मुझे याद है जब मेरी पहले अपनी अपनी जॉब शुरू की थी तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज को प्लेज कराने का बहुत था. वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज को लिया जाता था, किसी ना किसी गारंटर को भी लिया जाएगा या उनसे पूछा जाता था FD है क्या. तो अब इनसे पूरी निजात है, अब आपको ऐसा कुछ नहीं देना.
आप अपनी इनकम दिखाइए, आप अपना घर देखिए दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं देना। बहुत ही कोई रेयर सिचुएशन होगी जो मैं अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कोई आदमी कुछ एक्स्ट्रा मांगेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपसे ये एक्स्ट्रा चीज़ें मांग रही है तो मेरे हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन के अलावा भी आपको दूसरे जगहों पर जाना चाहिए। हमें कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मकान है वही काफ़ी रहेगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फंड करने के लिए। इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एक लोन में इंटरेस्ट रेट सबसे अहम होता है जी, इसमें कितना फ़र्क होता है इन कंपनियों में? जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं इसमें भी अलग अलग लेवल की कंपनीज़ हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, 30-30, 40-40 साल से हैं, वो बड़े अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। और उनका जो देखिए किसी का भी जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी वो कहेगी कि जिस कीमत पे मुझे पैसा मिलता है उसमें कुछ अपनी प्रॉफिट जोड़ के मैं आगे दे पाऊँगा। तो हमने देखा है कि ये जो फ़र्क है ये बहुत ही नैरो होता जा रहा है बिटवीन बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से। तो फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, वो रहा नहीं है पहले, उस पहले ज़माने में बहुत था, पर अब वो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है ब्याज दरों में। जब वो बैंक में गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई रेगुलर इनकम नहीं, आपके पास आज की डेट में हर एक तबके के लिए कोई ना कोई विकल्प है। लोगों का जो बैंकिंग है बेटा, ये जनधन एक पहला कदम है, बहुत छोटा कदम है कि जिनको बैंक में बैंक का खाता ही नहीं था उनका बैंक का खाता खुल गया। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। जी मैम, देखिए जनधन योजना के अंतर्गत बहुत लोगों के खाते गरीब लोगों के खुले, उन्होंने अपने घर में जो रखा हुआ पैसा था जिसे छुपा के रखते थे बैंक में जमा कर दिया। मेरी काम वाली, उसके पास 2.5 लाख रुपया है, उस 5 लाख का एक ज़मीन खरीदना चाहती है, उसके पास पैन कार्ड भी है, लेकिन इन लोगों को चेक से पैसा लेकर के बैंक में डालने की आदत नहीं है। जब वो बैंक में गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने कोई भी रेगुलर ये ठीक है तुम्हारे पास 2.5 लाख है लेकिन तुम्हारी कोई रेगुलर इनकम नहीं है। अब वो मनी लेंडर के पास गई, साहूकार के पास, उसने उसको 10% पर ब्याज के लिए कहा और कहा हम आपको एक किश्त बांध देंगे। आप तो जानते ही हैं वहाँ पर क्या हाल होता। अब वो महिला क्या करे? सबसे पहली बात जो मैंने कही थी कि अब आई थिंक जो अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस लेवल अभी बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास आज की डेट में हर एक तबके के लिए कोई ना कोई विकल्प है। जैसे कि काफ़ी माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं जिनका काम ही यही है कि जो 2-3 लाख का जो लोन लेना चाहते हैं या 5 लाख से कम का लोन लेना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करते हैं और वो किसी और तबके पे काम नहीं करते अक्सर। और ये आपको बैंकों में नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनका काम ही यही है कि एवरेज जो उनको टिकट साइज़ उम्मीद करते हैं 2 लाख से 2.5 लाख है। तो शायद उनको आइडिया नहीं रहा होगा क्योंकि अभी वो बहुत सारे स्तर पर नहीं है। साउथ इंडिया में काफ़ी हैं, एक्टिव हैं और नॉर्थ में अभी आ रही हैं, लेकिन वो अवेलेबल हैं इंस्टीट्यूशंस जो एक प्राइवेट मनी लेंडर से कई गुना सस्ती होंगी और बड़ी आइडेंटिफाइबल होंगी। और वो जो माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो भी एक, आपने MFI का नाम सुना होगा, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं उन्हीं से ही उभरी हुई वो कंपनीज़ हैं जो पहले लोगों को 10,000-20,000 का लोन देती थी बगैर किसी कागज़ के, और वो एक ग्रुप की तरह देते हैं लोगों को जो आपस में एक दूसरे को सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप बना लेते हैं। तो उसी तरीके से माइक्रो हाउसिंग भी आ गया है जिसके अंदर आपको ये लोन मिल सकते हैं, और ये जैसे आपने बोला वो मेड है, वो काम वाली है, उसको बिल्कुल उनसे लोन मिल सकता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि देखिए एक बात तो सही रहेगी कि लोगों का जो बैंकिंग है बेटा, ये जनधन एक पहला कदम है, बहुत छोटा कदम है कि जिनको बैंक में बैंक का खाता ही नहीं था उनका बैंक का खाता खुल गया। सो आई थिंक क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जो लेंडर्स भी हैं उनको भी देखना है कि अल्टीमेटली ये बिज़नेस वायबल भी होना चाहिए। देखिए कोई भी काम सिर्फ अगर एक चैरिटी की तरह से किया जाएगा बहुत लंबा नहीं चल सकता, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और वो फिर लोगों की डिमांड कभी पूरी नहीं कर सकता। सो मेरे हिसाब से ये एक
एक इनिशियल स्टेप है जहाँ पे लोगों को ये आदत पड़ रही है, और अब आप देखेंगे छोटे छोटे विकल्प जैसे वॉलेट्स हैं, दूसरी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे अब काफ़ी बैंक जो हैं, काफ़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो वॉलेट से भी पेमेंट लेने को एक्सेप्ट करती हैं। सो आई थिंक एक ये एक हम इस वक्त एक बदलाव में हैं जहाँ पे ये बदलाव एक साल के बाद, जो आज आप सवाल बोल रहे हैं, एक साल के बाद वही कहेगी कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं बैंक से पैसा देने को तैयार हूँ। जी जी। सो मुझे लगता है कि एक हम वी आर इन ट्रांजिशन जहाँ पे ये बदलाव पूरा होगा, पर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, माइक्रो हाउसिंग कंपनीज हैं जो इन ऐसे तबके को लोन दे सकते हैं। तो मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक ये कि आपने कहा कि जो माइक्रो हाउसिंग कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, इनके जो रेट हैं मनी लेंडर से काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर एक बैंक से कंपेयर करें या एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करें तो कितने ज़्यादा हैं उससे? हाँ, उनसे ज़्यादा होंगे जी, और वो डिपेंड करता है, और वो मैं कहूँगा कि 3-5% तक का अंतर हो सकता है। 3-5% ज्यादा अंतर हो सकता है फ्रॉम दीज पीपल। हाँ जी। तो लेकिन जो ये अगर आप प्राइवेट मनी लेंडर से कंपेयर करेंगे तो बहुत सिग्निफिकेंटली कम होगा। लेकिन जी दूसरा सवाल, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपने कहा कि स्पेशलाइज्ड हैं, आप भी हैं जैसे, आप किस लेवल पर डील करते हैं? कितना जो आपका मिनिमम एंट्री है वो कितना होता है? जैसे हमने भी बिकॉज जब हमने ये सारा देखा और देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री का बहुत रुझान था, तो हमने भी 2014-15 से अपने आप को रियलाइन किया। हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको हम स्वराज प्रोडक्ट कहते हैं, उसके अंदर हम ऐसे ही सेगमेंट को हम केटर करते हैं। हमारा कम से कम जो लोन है वो 5 लाख से शुरू हो जाता है, पाँच लाख से शुरू हो जाता है, और इसके तहत हम इंश्योर करते हैं कि जो ये जो आपके जितने भी छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं, मैं कहूँगा कि कोई ओला का टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर है, उसको शायद काफ़ी बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ना दें, लेकिन आपको हम उनको हम लोन दे सकते हैं। कोई आदमी एक वेजिटेबल वेंडर भी है, बेशक 20 साल से बैठा हुआ है, लेकिन जब लोन मांगने जाएगा तो उसको कोई नहीं देगा। तो ऐसे इतना बड़ा सेगमेंट है हिंदुस्तान में, तो उस IIFL का जो प्रोडक्ट है हाउसिंग फाइनेंस का स्वराज, उसके तहत हम ये सेगमेंट को केटर कर रहे हैं। और हमें मानना, क्योंकि देखिए इस अपॉर्चुनिटी को हमें भी, बैंक्स को भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी उसके स्तर पे लाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी है, लोगों को घर चाहिए, लेकिन जिनको घर चाहिए उनको आप लोन कैसे दे सकेंगे? उसका भी काफ़ी हमारे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कवर करना होगा। और फिनटेक में, मतलब टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरीकों से काफ़ी तरीके हैं जिसमें हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां से हम असेस कर सकें कि किस तरह की इनकम होती है उन लोगों की। तो वो एक आई थिंक एक चेंज है जो अगले 2-3 साल में वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमारे को बहुत खुद पे विश्वास है कि जो हमारा स्वराज प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इस सेगमेंट के लिए बना है और इसको कैटर कर देगा। जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। किसी ने 2007 और 2010 के बीच में अपने लिए घर बुक किया, उसके लिए उसने बैंक फाइनेंसिंग करवाई। बैंक फाइनेंसिंग 30 से 50 लाख तक की बैंक फाइनेंसिंग करवाई उसने। बिल्डर ने, डेवलपर ने उसको घर पूरा करके नहीं दिया। 4 साल ओवरड्यू हो गया, 6 साल ओवरड्यू हो गया, और भी ड्यू होने की उम्मीद है। अब वो जो बायर है वो तो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, घर का किराया भी दे रहा है, घर के खर्चे भी निकाल रहा है, वो जो बैंक की ईएमआई दे रहा है और उसको इंटरेस्ट, एक्सटेंडेड इंटरेस्ट दे रहा है फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द डेवलपर, फॉर नॉन डिलीवरी, उसके लिए क्या निजात है आपके पास? ये मैं कहूँगा कि एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, हम आगे देखते हैं, पीछे मैं बाद में आऊँगा, पहले हम आगे देखते हैं। आई थिंक जो सरकार का ये जो रेरा कानून लाने का जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, मेरे हिसाब से वो इन सारी चीज़ों से हमें निजात देगा फ्यूचर में। फ्यूचर फॉर श्योर विल बी वेरी वेल टेकन केयर बाय रेरा। इट इज़ वो इस तरह का लॉ है जो हमारे को इन चीज़ों से इंसुलेट करेगा, इन चीज़ों से हमारे को बचा कर रखेगा। जहाँ तक बात रही जो हो चुका और आज की डेट में जो कस्टमर भी है, एक तरफ ईएमआई भी दे रहा है, किराया भी दे रहा है, और बिल्डर पूरा नहीं कर रहा है, ये एक थोड़ी सी मेरे हिसाब से कैश 22 सिचुएशन है जहाँ पे हमें देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। कुछ चीज़ें उभर के आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से जो कोर्ट्स हैं इंडिया में वो काफ़ी प्रोएक्टिव हुए हैं ऑफ लेट लास्ट 2-3 सालों में, और जो ये NCLT का जो भी एक सेगमेंट है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है लेकिन उसके अंदर भी ये चीज़ें सॉल्व होने की संभावना है। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि इन चीज़ों का
कस्टमर के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। और एज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक जो है किस्त लेने से मना नहीं कर सकता कि भाई क्योंकि उसने लोन दिए हैं वनी तो वो एनपीए हो जाएंगे, और कस्टमर को भी बहुत दिक्कत होती है। तो मैं समझता हूँ कि रेरा आने से ये फ्यूचर तो काफ़ी क्लीन हो जाएगा, लेकिन जो पास्ट है वो हमारे को सॉल्व करना होगा। और आई थिंक अलग अलग सेगमेंट्स में और पॉकेट्स में सरकार और मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से ज़रूरत इसकी भी है, लॉज तो आएंगे, कानून आएंगे, लेकिन जो लेंडर्स हैं आप जैसे ज़्यादा थोड़े स्ट्रिंजेंट हों डेवलपर्स के साथ और शिफ्ट करें कि अगर ये आपकी जो एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर ये बिल्डर की ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है जी तो उसको ना सपोर्ट करें। मेरे ख्याल से ये एक सेल्फ रेगुलेशन भी एक होगी। बिल्कुल विवेक जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि ये रेरा के आने से हो सकता है देर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि पूरा नहीं है कम है, ये रेरा के आने से बिल्डर भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दोनों वचनबद्ध हो जाएंगे कि भाई इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते, वो पैसा वहीं रहेगा तो वहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से एक तो सेल्फ रेगुलेशन होता है, एक इम्पोज्ड रेगुलेशन होता है। तो आई थिंक सेल्फ रेगुलेशन एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इम्पोज्ड रेगुलेशन इंडस्ट्री को बांध के रखता है, तो कोई भी उससे फ्रीडम नहीं ले पाएगा। तो मेरा यह मानना है कि रेरा इस चीज़ों को बिल्कुल साफ करने में बहुत मदद करेगा, और इम्पोज्ड रेगुलेशन इज़ समथिंग जो पूरी यूनिफॉर्म रहेगी और किसी भी इंस्टीट्यूशन को या बिल्डर को इससे चांस लेने की या हिम्मत नहीं होगी या मौका नहीं मिलेगा, उसके हाथ में नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर हम चर्चा तो पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। अगले हफ्ते भी हम रियल इस्टेट से ही एक जुड़े स्कीम के बारे में बात करेंगे और तब कुछ और सवालों के जवाब भी ले लेंगे। धन की बात में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक स्कीम की जो सरकार ने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे प्रधानमंत्री का विजन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इंडिविजुअल है जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको किश्तों में पैसा दिया जाएगा। दो चीजें आती हैं, एक प्रोसेसिंग फीस अ बैंक एक्स्ट्रा लेता है, उसकी भी ऑब्लिगेशन है बिल्डर की कि अगर इतनी देर में तूने नहीं दिया तो तुम्हें पैसे रिफंड करने हैं। किसी वजह से हम EMI नहीं पे कर पाते हैं तो व्हाट इज द रिलीफ दैट अ बैंक कैन गिव अस।